Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Yes, hi guys. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीए 24 जुलाई का. देखिए कितना प्यारा ब्यूटीफुल कोट है ये, और ये एक्चुअली बहुत सही कोट है. पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू. गाइज ये कोट स्पेशली इसीलिए लिया गया है कि देखिए एसबीआई क्लर्क प्रिलिम्स का रिजल्ट आ गया है एंड आई एम श्योर कि आप सभी उसमें क्लियर हुए होंगे. 71 कट ऑफ रहा है. सो अब अपने आप को पुश करने का टाइम आ चुका है. जो हम रेगुलरली जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो वहाँ पर बहुत काम आने वाले हैं. सो बिकॉज दिस इज मेंस, सो यू हैव टू पुश योर सेल्फ. चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ फर्स्ट स्लाइड पे. नेशनल अफेयर्स की बात करेंगे. सो देखिए ब्लू स्टार लिमिटेड हैज़ वन एन एयर कंडीशनिंग एंड टर्नल वेंटिलेशन सिस्टम ऑर्डर वैल्यूड एट ₹253 करोड़ फ्रॉम मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड. सो यहाँ पर ब्लू स्टार लिमिटेड ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से 253 करोड़ रुपये के मूल्य का एयर कंडीशनिंग और टर्नल वेंटिलेशन सिस्टम ठेका जीता है. ओके अब देखिए MMRCL इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. सो ये क्या है, जॉइंट वेंचर है आपका. और गाइज अभी अगर यहाँ पर मेट्रो की बात आ रही है तो हम बात कर लेते हैं दिल्ली मेट्रो की, जो कि पहली ऐसी मेट्रो है जिसकी पावर क्या हो रही है, कहाँ से जनरेट हो रही है, वेस्ट टू एनर्जी. लाइक कि वेस्ट से वो एनर्जी और पावर ले रही है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग. आई है बात बिजनेस एंड इकोनॉमी की. GIC होल्डिंग लिमिटेड एंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी AGIA बैक्ड ग्रीन को एनर्जी होल्डिंग हैज़ रेज $950 मिलियन. सो गाइज इसमें देखिए आपको ये याद रखना है कि किसके बीच में हुआ है, GIC होल्डिंग और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बीच में. द बॉन्ड रेज्ड फॉलोड आफ्टर द टू सॉवरेन वेल्थ फंड्स अग्रीड टू पंप इन एन एडिशनल $329 मिलियन इन ग्रीको एनर्जी होल्डिंग्स. दो संप्रभु धन निधि को ग्रीनको एनर्जी होल्डिंग से अतिरिक्त $329 मिलियन निवेश करने पर सहमत होने के बाद बॉन्ड में बढ़ोतरी हुई है. ग्रीनको ओन्स ऑपरेटिंग असेट्स ऑफ 4.2 गीगावाट एंड अंडर कंस्ट्रक्शन असेट्स ऑफ 7 गीगावाट. तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्रीनको के पास कितने ऑपरेटिंग असेट्स हैं, 4.2 और 7. सो मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो GIC होल्डिंग है और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. और यहाँ पर बात आ रही है देखिए पेटीएम की. पेटीएम पार्टनर्ड विथ क्लिक्स फाइनेंस टू ऑफर इंस्टेंट डिजिटल लोन्स टू कस्टमर एंड मर्चेंट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म. वेरी इंपॉर्टेंट, पेटीएम ने किसके साथ फाइनेंस किया है या किसके साथ पार्टनर किया है, वो है क्लिक्स फाइनेंस. द कंपनी वुड ऑफर लोन टू पेटीएम कस्टमर एंड मर्चेंट्स थ्रू डिफर्ड पेमेंट और पोस्ट पेड एंड मर्चेंट लाइन्स फैसिलिटीज. सो ये जो कंपनी है क्लिक्स फाइनेंस, वो क्या करेगी, पेटीएम को के कस्टमर्स को लोन देगी पोस्ट पेड एंड मर्चेंट लाइन फैसिलिटीज से. ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स क्लिक्स एंड पेटीएम विल इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स टू फर्दर एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस एंड मीट कस्टमर डिमांड्स. सो आपको पेटीएम के बारे में तो पता ही है, पेटीएम जो आप जिससे आप क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, पेटीएम का मॉल भी है. सो देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हाईलाइट की क्या बात है कि पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा और उनके COO हैं रेणु सट्टी. गाइस चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. यहाँ पर देखिए शेन लॉरी वन ब्रिटिश ओपन. सो इन्होंने ब्रिटिश ओपन जीता है. आयरिशमैन शेन लॉरी वन ब्रिटिश ओपन टू क्लेम हिज फर्स्ट मेजर गोल्फिंग टाइटल एट रॉयल पॉट्रश. सो यहाँ पर कहाँ है, शेन लॉरी जो हैं वो आयरलैंड से हैं और इन्होंने पहला गोल्फ खिताब के साथ ब्रिटिश ओपन जीता है. सो ये क्या है, ही बिकेम द सेकेंड प्लेयर फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आफ्टर पैड्रैक हैरिंगटन इन 2007 एंड 2008 टू लिफ्ट द क्लैरेट जग. सो ये जो जग है क्लैरेट जो जीता गया है, वो ये पहले इंसान जो है उनका नाम है पैड्रिक हैरिंगटन और ये दूसरे प्लेयर हैं कहाँ से, आयरलैंड से.
Players from Ireland and Northern Ireland have won 5 of the past 13 Opens, with Darren Clarke 2011, Rory McIlroy 2014, also hosting the Claret Jug. So, यहाँ पर क्लैरेट जग की बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि सेकंड प्लेयर है कहाँ से, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से. अब देखिए, आयरलैंड की जो आपकी कैपिटल है वो डुबलिन है और करेंसी क्या है, यूरो. चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं. यहाँ पर बिजनेस एंड इकोनॉमी और LIC की कुछ बात आ रही है, सो गाइज देखते हैं. और LIC की बात आ रही है तो आप सभी ने LIC ADO के फॉर्म्स तो भरे ही हैं. चलिए देखते हैं. LIC हैज़ अग्रीड टू ऑफर रुपीज़ 1.25 trillion लाइन ऑफ क्रेडिट बाई 2024 टू फंड हाईवे प्रोजेक्ट्स. LIC ने राजमार्ग परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु 2024 तक 1.25 trillion रुपए की ऋण व्यवस्था मुहैया करने पर सहमति व्यक्त की. सो LIC क्या करने वाला है, फंड देने वाला है हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना है, 8.41 trillion एम्बिशियस भारतमाला प्रोजेक्ट एम्स टू ले अ ग्रिड ऑफ हाईवे पैन इंडिया. सो यहाँ पर ये भारतमाला प्रोग्राम जो है वो फंड विल बी फंडेड थ्रू सेस, टोल रेवेन्यू, मार्केट बोरिंग्स, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, मसाला बॉन्ड्स एंड LIC क्रेडिट लाइन वॉज वन सच इनिशिएटिव. सो भारतमाला प्रोग्राम को जो अमाउंट चाहिए, देखिए उसके लिए अमाउंट कितना है, वो है आपका 5,35,000 करोड़ रुपए, वो उसका अमाउंट है भारतमाला प्रोजेक्ट फेज़ वन का. सो उन सब फंड्स को इकट्ठा करने के लिए कहाँ कहाँ से फंड्स मिलेगा, आपके जो सेस है, टोल रेवेन्यू है, मार्केट बोरिंग्स हैं, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इंश्योरेंस का जो फंड है, पेंशन फंड्स हैं, मसाला बॉन्ड्स हैं, और LIC जो देने वाला है वो भी एक क्या है, उसमें उसका हिस्सा है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. डेज एंड इवेंट्स की बात आती है गाइस. नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई. नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 23 जुलाई. राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है. अब इस दिन क्या हुआ है, इस दिन 1927 में देश में पहला रेडियो प्रसारण निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से ऑन एयर हुआ था. सो कहाँ से हुआ है ये, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी क्या है, बॉम्बे स्टेशन. सो ऑन 8 जून 1936 द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिकेम ऑल इंडिया रेडियो. सो आपका 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो बन गया है. और ये क्या है, 1927 से ये रेडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है लोगों की लाइफ का. सो गाइस ये डेज एंड इवेंट्स की बात है. रोज लेट्स प्रैक्टिस, हम लोग जो हमारा जो तरीका है वो प्रैक्टिस करेंगे. 1 जुलाई आपका क्या है, डॉक्टर्स डे है, जो कि BC रॉय के लिए उनकी याद में मनाया जाता है, फेलिसिटेट किया जाता है डॉक्टर्स को. देन आपका 11 जुलाई है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. 14 जुलाई है आपका बेस्टाइल डे, जो कि फ्रांस मनाती है. 20 डे जो है आपका, 20 जुलाई वो है आपका चेस डे. एंड दिस 23 जुलाई इज़ योर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे. होप आपको ये सारे डेज याद हो गए हों और आप इसी तरह से रिवाइज करते हों जब भी डे एंड इवेंट का आपको साइन, या जब भी डे या इवेंट को कोई आपको नोट दिखता है. चलिए देखिए नेशनल अफेयर में क्या बात हो रही है. कवर यात्रा ऐप फॉर पिलग्रिम्स इन मेरिट. सो पढ़ते हैं. अ कवर्ड यात्रा मैनेजमेंट ऐप हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर फैसिलिटिंग एंड गाइडिंग द कवरियाज ऑन द जर्नी इन द मेरठ जोन. मेरठ क्षेत्र में यात्रा करने वाले कांवड़ियों की सुविधा और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कांवड़ यात्रा प्रबंधन ऐप तैयार किया गया है. सो दिस इज़ अ ऐप, ये मेरठ जोन के लिए बनाया गया है. द ऐप प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूट्स, टेम्पल्स, हॉस्पिटल, पुलिस एंड शिविर. सो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आपकी रूट्स हो गए, टेम्पल्स हो गई, क्योंकि ये जो यात्री हैं वो लोग क्या हैं, एक फेस्टिवल की तरह ही हैं, फेस्टिवल को मनाने के लिए आ रहे. तो रूट्स भी हैं, टेम्पल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि रिक्वायर्ड है, पुलिस और शिविर हैं. यह ऐप मार्गों, मंदिरों, अस्पतालों, पुलिस और शिविर के बारे में सभी जानकारी प्रदान करता है. इट कैन बी डाउनलोडेड ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड विल ऑपरेट ऑन एनी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन लाइक अदर एप्लीकेशंस. सो दिस इज़ फॉर एंड्रॉयड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पर बात आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट बिल अगेन. लोकसभा पास द राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019 ऑन 22 जुलाई 2019. सो यहाँ पर देख लीजिए, अब आपके इतने बिल्स हो चुके हैं. इस बिल में क्या है, ये बिल क्यों पास किया गया है, देखिए यहाँ पर क्या किया है, अमेंड किया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को. सो हैज़ टू प्रोवाइड दैट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एंड द सैलरीज, किसकी टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी, अलाउंसेस और जितने भी टर्म्स और कंडीशन है सर्विस, किसकी, CIC की, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर. सो गाइज आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर प्रेजेंट में कौन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए.
आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. फर्स्ट देखिए यहाँ पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं. केशव प्रसून चूजन फॉर मोहन बागन रत्न. सो यहाँ पर मोहन बागन रत्न की बात आ रही है, तो देखिए क्या है, 2-time ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट केशव दत्त हॉकी के हैं ये, एंड फॉर्मर इंडिया फुटबॉल कैप्टन प्रसून बनर्जी विल बी कन्फर्म्ड विथ मोहन बागन रत्न ऑन 29 जुलाई 2019. सो प्लीज़ नोट्स में लिख लीजिए, दिमाग में फ्रीज कर लीजिए, केशव दत्त एंड फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन प्रसून बनर्जी. जुलाई 29 इज सेलिब्रेटेड एज मोहन बागन डे बिकॉज ऑन दिस डे इन 1911 द मरीनर्स बिकेम द फर्स्ट क्लब टू डिफीट अ ब्रिटिश कप. ठीक है, सॉरी, जो मरीनर्स हैं वो क्या हैं, फर्स्ट क्लब बने हैं डिफीट किसको किया है, ब्रिटिश क्लब को, ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट एंड द लिफ्ट द IFA शील्ड. सो यहाँ पर इन्होंने IFA शील्ड जीता है, इसलिए मोहन बागन डे मनाया जाता है. चलिए PV सिंधु की बात आ गई है, तो देखते हैं क्या किया है इन्होंने. देखिए गाइज, अगर PV सिंधु आपको याद हो तो मैंने आपको न्यूज़ में पढ़ा था कि PV सिंधु ने इंडोनेशियन ओपन जो है उनमें वो सिल्वर लेके आई हैं. अब देखते हैं आज उन्होंने क्या किया है. इन बैडमिंटन PV सिंधु एंड किदम्बी श्रीकांत विल लीड द इंडियन कैंपेन एट जापान ओपन BWF वर्ल्ड टूर सुपर स्टार्टिंग इन टोक्यो फ्रॉम 23 जुलाई 2019 से. सो BWF आपका वर्ल्ड टूर सुपर है जो कि कब से स्टार्ट हो रहा है, 23 जुलाई 2019 से. अब देखिए बी साई प्रणित है फेस जापान्स केंता निशिमोतो. सिंधु ओपन्स हर कैंपेन अगेंस्ट चाइना हैन यू इन वुमेन सिंगल ऑन 24 जुलाई 2019. बी साई प्रणीत जापान के केंटो निशिमोटो से खेला और सिंधु 24 जुलाई 2019 को महिला एकल में चीन की हान यू के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगे. द मेन्स डबल पार्टनर मनु आत्री एंड सुमित बी रेड्डी टुक ऑन गो शेफे एंड नूर इजुद्दीन ऑफ मलेशिया. गाइज यहाँ पर देखिए आप नाम देख लीजिए कि कोई भी, जैसे कोई भी आपका गेम हो रहा है, चाहे वो बैडमिंटन हो या आपका शूटिंग हो या आपका जो टेबल टेनिस का अभी चल रहा है कॉमनवेल्थ गेम, तो सारे जितने भी नाम हैं यहाँ पर, नाम इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जैसे कि आपको अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं. जैसे कि SBI PO में अभिजीत गुप्ता के बारे में आया था, तो काफ़ी बच्चे गलत लगा के आ गए, लेकिन उनका सही आंसर था चेस. चलिए देखिए यहाँ पर और आपके प्लेयर्स आए हैं. हरमित अखिया 1 गोल्ड. TT चैम्पियनशिप की बात ही कर रहे थे और TT चैम्पियनशिप आप भी गया. देखिए इन टेबल टेनिस होस्ट इंडिया क्लेम्ड ऑल द 7 गोल्ड्स. वेरी 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 नाइस कि इंडिया ने 7 गोल्ड मेडल्स जो थे वहाँ पर वो सारे ले लिए हैं. और ये कहाँ हुआ था, कटक में कंक्लूड हो गया. सो ये काफ़ी ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक स्पोर्ट रहा है, एक अच्छा इवेंट रहा है. इंडिया में काफ़ी गोल्ड आए हैं. हरमित देसाई एंड अखिया मुखर्जी वन द मैंस एंड वुमेन सिंगल टाइटल्स एंड क्लेम्ड गोल्ड. सो कौन है, हरमित देसाई और आयहिका मुखर्जी, तो उन्होंने पुरुष और महिला एकल खिताब जीता और स्वर्ण पदक जीता है. एंथनी अमलराज एंड मानव ठक्कर क्लैम मेंस डबल गोल्ड बाय स्टनिंग टॉप सीड सथियान एंड शरद कमल बाय 3-1. चलिए देखते हैं आगे. UP गवर्नमेंट की बात आ रही है. आपने देखा है CM योगी आदित्यनाथ ने अप्रूव किया क्या है, प्लान टू इंस्टॉल 251 meter टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम एट अयोध्या. सो यहाँ पर बात क्या आई है कि राम भगवान जी की मूर्ति जो है, एक स्टैचू होगा वो इंस्टॉल होगा, वो उसकी हाइट क्या होगी, 251 मीटर होगी, उसकी मंजूरी दी है. और ये किस मूर्ति से या किस स्टैचू से भी बड़ा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, 183 मीटर का. द स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम वुड बी इंस्टॉल्ड ऑन दी 100 hectares ऑफ लैंड नियर रिवर सरायो इन अयोध्या. तो गाइज यहाँ पर अगर आपका जो भगवान राम जी का जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, वो कहाँ है, रिवर सरायू के यहाँ पर होगा अयोध्या में. तो आपको याद आया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन का स्टैचू कौन से नदी के यहाँ था. सो इट आंसर इज क्या है, आंसर नर्मदा. चलिए अब अगर यूपी की बात आई है, तो गाइस यूपी की बात आई है, हमने CM पढ़े हैं, तो अब CM पढ़ लिए हैं, तो CM के बाद गवर्नर तो आता ही है. तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल. गाइस हम रिवाइज करेंगे लास्ट में सारे गवर्नर्स. चलिए ये मैंने आपको एक रिवाइज करा दिया. महाराष्ट्र टॉप इन ATM फ्रॉड्स. सो महाराष्ट्र रिपोर्टेड 233 केसेस ऑफ ATM फ्रॉड इन 2018-19, द हाईएस्ट इन द एंटायर कंट्री. सो 233
केस जो फ्रॉड हुए हैं वो महाराष्ट्र में हुए हैं, ये जो डेटा है RBI ने रिवील किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चला है कि 2018-19 में महाराष्ट्र में ATM धोखाधड़ी के 233 मामले दर्ज हुए हैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद नंबर दो पे क्या है, दिल्ली है, पहली मुंबई, महाराष्ट्र, दूसरा दिल्ली है। दिल्ली में 179 केसेस हुए हैं, और उसके बाद आता है तमिलनाडु। आंकड़ों से पता चला है कि दिल्ली 179 मामलों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, और इसके बाद तमिलनाडु में ATM की धोखाधड़ी के 147 मामले सामने आए हैं। सो पीपल ने कितने जो अमाउंट जो लॉस हुआ है वो 4.8 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पर, बहुत ही बड़ा अमाउंट, और दिल्ली में 2.9 करोड़। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र आपने देखा है तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, एक तो फंड की बात करूंगी कि कंपनसेशन जो है 25 लाख से 1 करोड़ रुपए हुआ है किन उन सोल्जर्स की जो कि लाइन ऑफ ड्यूटी पे जिनकी डेथ हो गई है, उनके फैमिली को ये कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा। और राही सरबोत की बात करेंगे जो कि एक एस शूटर हैं, और वो कहाँ से हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। चलिए गाइस नेक्स्ट डिफेंस की बात हो रही है, नेवी कमीशन इट्स 5th डॉर्नियर एयरक्राफ्ट स्क्वाडन इंडियन नेवल स्क्वाडन 313 इन चेन्नई 22 जुलाई 2019। सो आपको नाम याद रखना है, 5th है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट स्क्वाडन और इंडियन नेवल एयर स्क्वाडन। INS 313 डिराइव्स, अब INS जो 313 है, इंडियन नेवल एयर स्क्वाडन का नाम जो है 313 है, वो कहाँ से मिला है, वो मिला है सीगल से, फ्रॉम द बर्ड ऑफ प्रे फैमिली एसिपिट्राइड। INS 313 का नाम सीगल रखा गया है, क्या रखा गया है, सीगल रखा है, जो कि शिकारी परिवार एक्सीपिट्रिडे के पक्षी से लिया गया है। स्क्वाडन जो है वो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से क्या होगा, संचालित होगा, इट विल बी ऑपरेटेड फ्रॉम चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विद दिस तमिलनाडु के पास 3 नेवल एयरबेसेज हो जाएंगे, जो कि हाईएस्ट नंबर है फॉर एनी कोस्टल स्टेट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर बिजनेस एंड इकोनॉमी की बात आ रही है, तो बिजनेस इकोनॉमी देखते हैं क्या है। सो गाइस बढ़िया, इंडिया सीम्स टू बैन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज आफ्टर एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी IMC सजेस्टेड आउटलोइंग द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन। आप लोग बिटकॉइन जो है बहुत ही फेमस क्रिप्टो करेंसी है, द कमिटी कंप्राइज्ड, अब कमिटी में कौन कौन लोग हैं वो देख लीजिए, कंप्राइज ऑफ सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स एज द चेयरमैन अलॉन्ग विद द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी चेयरमैन एंड द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे उस कमिटी के मेंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, फॉर्मर जापानीज डिप्लोमेट एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी चीफ युकिया अमानो पास्ड अवे इन जुलाई 2019। सो ये जो जापानीज डिप्लोमेट है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ है युकिया अमानो, इनकी डेथ हो गई है। वो 2009 से दुनिया भर में परमाणु मुद्दों को नियंत्रण करने वाले मुख्य अमेरिकी एजेंसी के प्रमुख थे। सो ही हैड बीन द चीफ ऑफ की UN एजेंसी दैट रेगुलेट्स न्यूक्लियर इशूज वर्ल्ड वाइड सिंस 2009। अब एज अ हेड ऑफ IAEA अमानो ऑल्सो डील्ड विद द aftermath ऑफ डिवास्टिटिंग 2011 Fukushima न्यूक्लियर एक्सीडेंट इन जापान। सो ये जो कि हेड रह चुके हैं IAEA के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के, तो इन्होंने जो भी जापान में विनाशकारी जो भी परमाणु हादसे हुए हैं उनके बाद भी इन्होंने उनसे निपटा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स आई है गाइज, 8 रूट एंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान है बिकम फंक्शनल। सो बढ़ती जा रही है, नाइस है, अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बाय दिस टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल रूट्स हैव बिकम 194। सो आपके लिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि अभी जो टोटल नंबर जो ऑपरेशनल रूट का है वो 194 बन गया है। सो मिनिस्ट्री हैड लॉन्च द उड़ान हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं करेंट अफेयर्स में, दैट इज़ उड़े देश का आम नागरिक स्कीम जो है 21 अक्टूबर 2016 को स्टार्ट हुई थी। किस लिए, कि रीजनल जितने भी हैं, कि रीजनल जितने भी जगह हैं, जो छोटे छोटे जगह भी हैं, उनको भी एयर कनेक्टिविटी से हम कनेक्ट करें और सस्ते दामों में सारे जो ग्राहक हैं, जो जितने भी लोग हैं इंडिया के, वो ट्रैवल कर सकें। और इनके जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो क्या हैं, हरदीप सिंह पुरी हैं। सो आप लोगों को याद हुआ होगा, हम जो काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट पढ़ते हैं, तो आई होप आप लोगों को याद हुआ हो।
डेज इन इवेंट्स में देखिए वर्ल्ड ब्रेन डे की बात हो रही है और ये 22 जुलाई को मनाया जाता है हर दिन. और देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिख रखी है. द डे एम्स एट प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ न्यूरोलॉजी. प्रीवियसली वर्ल्ड ब्रेन डे हैज़ कवर्ड टॉपिक्स लाइक डिमेंटिया, एपिलेप्सी एंड स्ट्रॉग इन कॉपरेशन विद अदर सोसाइटीज. सो यहाँ पर इसका देखिए थीम आपको याद रखना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, माइग्रेन द पेनफुल ट्रुथ. सो गाइज माइग्रेन क्या है, जैसे कि देखिए माइग्रेन वो नहीं होता जैसे कि हम पढ़ने के बाद बहुत थक जाते हैं, अरे सिर दुख रहा है, मम्मी सो जाऊँ, ये सारी चीज़ें माइग्रेन नहीं होती. माइग्रेन होता है कि आप कंटिन्यूसली जब आपको बहुत पेनफुल और एक ही स्टेज हो जाती है कि आपको कभी भी सिर दुख जाता है और इसका दर्द बहुत ही बुरा होता है. सो माइग्रेन द पेनफुल ट्रुथ बिल्कुल सही थीम दिया गया है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. यहाँ पर ह्यूमन राइट्स बिल की बात हो रही है. तो गाइज हम ह्यूमन राइट्स बिल जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे पहले भी कि ह्यूमन राइट बिल्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो बिल है इसके अंदर अब जो नॉन लाइक कमिटी मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, 3 होंगे 2 से, और जो 1 मेंबर होंगी वो वुमेन होंगी. चलिए अभी क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है हम पढ़ लेते हैं. पार्लियामेंट हैज़ पास द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिल 2019 विद राज्यसभा प्रोवाइड अप्रूविंग इट्स 22 जुलाई 2019. संसद ने 22 जुलाई 2019 को राज्यसभा को मंजूरी देते हुए मानव अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पारित किया है. और देखिए गाइस ये जो है ये ह्यूमन राइट्स हैं, जो एक्ट है आपका 1993 उसको अमेंड करके बनाया गया है. ठीक है चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं. नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आई है नेशनल अफेयर्स की. और एनडीए गवर्नमेंट कंप्लीटेड 50 डेज इन सेकंड टर्म. सो 50 दिन ख़त्म हो गए हैं एनडीए गवर्नमेंट की. सो गाइस आज डेट क्या है, अब देखिए आज जो डेट है तो आप देख लीजिए कितने दिन हुए हैं. 30 मई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी. सो यहाँ पर देखिए पीएम नरेंद्र मोदी हैज ऑलरेडी लेट डाउन द विजन ऑफ इंडिया बिकमिंग अ 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय 2024-2025. सो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का उन्होंने विजन देख लिया है. अभी इंडिया की इकोनॉमी जो है जो 6.8% है होने वाली है 2018-19 में वाइल मेंटेनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है गाइस. अभी आपका जो सबसे फेवरेट सेशन है, जो आपका क्वेश्चन आंसर राउंड है, वो आ गया है आज. चलिए गाइस तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. और हमारे पास 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ये फायर शॉट राउंड होगा. सो गाइस चलिए कि क्वेश्चन आंसर्स में आप सबको बहुत फास्ट फास्ट आंसर्स देने हैं जिससे कि पता पड़ेगा कि आपको कितना याद है. चलिए पढ़ते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2019 में किस देश के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एम्बार्क ऑन अ 2-डे ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री इन अगस्त. सो आंसर क्या है गाइज आप लोगों का, यस सो भूटान, वो चाहेंगे. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मैंने कल आप लोगों को पढ़ाई थी. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. एम एस धोनी होल्ड्स द ऑनररी रैंक ऑफ डैश इन द टेरिटोरियल आर्मी यूनिट ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट 106 पैरा टी ए बटालियन. सो 106 पैरा टी ए बटालियन जो है उसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, ये मैं कल समझा चुकी हूँ. और मैंने आपको ऑनररी रैंक पे भी बहुत जोर दिया था कि इसको आप याद रखिए. सो आंसर है इसका लेफ्टिनेंट कर्नल. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे गाइज बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन. द वर्ल्ड मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट मून लैंडिंग. रिसेंटली द US स्पेस एजेंसी हैज़ डबल डाउन ऑन इट्स नेक्स्ट जायंट लीप विद द आर्टेमिस प्रोग्राम दैट वुड टेक द फर्स्ट वुमन एंड द नेक्स्ट मैन टू द लूनर सर्फेस. आर्टेमिस इज नेम्ड आफ्टर द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो हु इज ऑल्सो गॉडेस ऑफ मून एंड द हंट. सो गाइज आंसर क्या है आपका, 1, 1 एंड 2, 1 एंड 3, ओनली 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट. सो देखते हैं आंसर क्या है. सो आंसर इज 5, ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल सही बात है. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं. हु इज सेट टू टेक ओवर एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन 2019. देवराज अनबू, MM नारवाने, सुरेंद्र सिंह, गुरपाल सिंह संगा, रणबीर सिंह. सो गाइज आई नो सबको आंसर पता है और आंसर है यस MM नारावने, बिल्कुल सही आंसर है. वो क्यों होंगे, क्योंकि जनरल देवराज अनबू जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है. इंडोनेशिया ओपन टाइटल इन जकार्ता किसने जीता है. गाइज मैंने अभी जो आपको स्लाइड्स पढ़ाई है तभी मैंने आपको समझाया था, PV सिंधु का नाम आया था और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने क्या जीता है, सिल्वर जीता है. यहाँ पर बना है कि हु वन द इंडोनेशियन ओपन टाइटल इन जकार्ता. सो देखते हैं आंसर क्या है.
अकाने यामागुची। क्वेश्चन पूछा है जीता किसने है और ये गोल्ड है, गोल्ड की बात हो रही है, और कहाँ हुआ है, इस्तोरा सैनियन स्टेडियम इन जकार्ता। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखती है। WBA वेल्टरवेट चैंपियनशिप, आपको याद हो रहा कल की पिक्चर, केट थुरमन, कैनेल अल्वारेज, मैनी पैकाग्यू, फ्लॉयड मेवेदर, कोनर मैकग्रेगर। सो गाइस आंसर है यस, मैनी पैकाग्यू इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। संगीता कालीनिधि अवार्ड ऑफ द म्यूजिक अवार्ड इन जुलाई 2019। सो गाइस ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, एस से संगीता कालीनिधि अवार्ड और एस से ही आपका आंसर है। सो एस से दो आपके ऑप्शन है, सुधा रघुनाथन और एस सौम्या। सो आंसर इज एस सौम्या, करेक्ट, बहुत करेक्ट, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सबके सही आंसर मुझे दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। गाइज आई आस्क्ड यू, आई टोल्ड यू दिस क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने आपको स्लाइड में बताया था। सो आंसर है आपका आनंदीबेन पटेल। गाइज इसके अलावा गुजरात में है आपके आचार्य देवव्रत जी, और हिमाचल प्रदेश में है कालराज मिश्रा, वेस्ट बंगाल में है आपके जगदीप धनकर, आर एन रवि हैं आपके नागालैंड के। सो प्लीज़ याद कर लीजिए, अपडेटेड रहिए गवर्नर्स के साथ। अनुसुईया उइके आपके छत्तीसगढ़ की हैं, देन आपके हैं भिस्वा भूषण हरिचंदन जो कि आपके आंध्र प्रदेश से हैं। चलिए बढ़ते हैं, आई होप जो मैंने आपके सेशंस लिए हैं जिनमें भी मैंने आप सबको जो जो गवर्नर्स याद कराए हैं वो आप लोगों को याद हो गए होंगे। चलिए देख लीजिए यहाँ पर, और आप सॉल्यूशन पे भी नज़र डाल दीजिए। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश, जगदीश धनकर वेस्ट बंगाल, रमेश बायस त्रिपुरा, लालजी टंडन मध्य प्रदेश, फागु चौहान बिहार, आर एन रवि गवर्नर ऑफ नागालैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, एक्सक्यूज मी। सो यहाँ पर बात आ रही है कि आंध्र बैंक, आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसको कौन सा बैंक सपोर्ट करने वाला है $328 million। गाइस दिस क्वेश्चंस ये जो हैं बहुत ट्रिकी हैं, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़े तो आप नहीं आंसर दे पाओगे, सारे बैंक्स आपको सेम लगेंगे। सो आंसर इज प्लीज़ आंसर इज वर्ल्ड बैंक। चलिए 10th वाला क्वेश्चन है, वेयर इज द 11th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो इंडिया 2020 शेड्यूल टू बी हेल्ड। इसको देख के आपको याद आ रही होगी आर्मी की पिक्चर थी, बिपिन रावत जो हैं वो कहाँ जा रहे थे, जीप में थे। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला। सो योर आंसर इज, देखिए जगह सिटी का नाम नहीं पूछा है आपको, स्टेट का नाम पूछा तो बहुत ईजी हो गया आपके लिए आंसर। सो आंसर इज योर उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th, ऑन विच डे वॉज द 50th एनिवर्सरी ऑफ अपोलो 11 मून लैंडिंग सेलिब्रेटेड इन 2019। सो आंसर आपका क्या है, सो आंसर आपका 20 जुलाई। चलिए यहाँ पर FDI की बात हो रही है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह पिछले 6 वर्षों के दौरान 2013-14 में 36.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 64.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर इस दौरान 10% वृद्धि दर्ज की गई है। सो कितने परसेंटेज वृद्धि हुई है बताइए आप लोग अपना आंसर। दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, आई होप जो लोग सही आंसर देंगे उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से CA को पढ़ा है, देखा है मेरे सेशन को, और जिनका नहीं है कोई बात नहीं, होप मत आ रही है, आप रेगुलरली बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके देखिए। सो योर आंसर इज देखिए 79%। चलिए क्वेश्चन नंबर 13th देखते हैं, मणिपुर की बात हो रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही है, अर्बन इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली, टिल नाउ 26,348 बेनिफिशरीज फॉर 24 टाउन्स हैव ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नियरली 9,725 हाउसेज विल बी बिल्ट बाय द एंड ऑफ 2019 अंडर द स्कीम, अ टारगेट टू ऑब्टेन अप्रूवल फॉर 46,360 नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैज बीन कैप्ड बाय द मणिपुर गवर्नमेंट। सो मणिपुर के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, अब तक 24 शहरों के 26,348 लाभार्थियों को पहले ही केंद्र आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। योजना के तहत 2019 के अंत तक लगभग 9,725 घर बनाएंगे मणिपुर सरकार द्वारा 46,360 लाभार्थियों का अनुमोदन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सो गाइस व्हाट इज योर आंसर, वेरी ट्रिकी। देखिए ऐसे आपके लिए रोज़ 2-3 क्वेश्चन रहेंगे जिससे कि मैं आपको फंसा सकूं और आपका स्कोर मैं देखूं कि आप कितना एफर्ट मार रहे हैं 20 on 20 लाने का। सो योर आंसर इज, देखिए आंसर क्या है आपका, 5th ऑल ऑफ द अबव। प्लीज़ गाइज आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर को डेफिनेटली पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा अगर जिन लोगों का आंसर सही नहीं है।
श्री रामचंद्र पासवान पास अवे इन जुलाई 2009 ही वॉज अ फेमस. सो रामचंद्र पासवान की बात हो रही है. म्यूजिशियन, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, ऑथर, सिंगर. गाइज आंसर क्या है, चलिए देखते हैं. पॉलिटिशियन है इनका आंसर. और ये कहाँ से थे, समस्तीपुर इन बिहार से थे. और ये सीनियर एलजेपी लीडर हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. साउथ एशिया टाइटल एट 12th साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप जो कि काठमांडू में हुआ है, वो किसने जीता है. रविंद्र कुमार मलिक, प्रदीप यादव, सुमित कुमार मलिक, योगेंद्र हुडा, नवीन कुमार यादव. सो आंसर क्या है बताइए. सो आंसर इज रविंद्र कुमार ने जीता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं. यहाँ पर बात आ रही है गोल्ड मेडल की. इन द 400 मीटर रेस एट नोवा मेस्टो इन चेस रिपब्लिक. सो प्रीति सिंह, रितु कुमारी, साक्षी यादव, हेमा दास, मीरा रेड्डी. सो आंसर क्या है गाइस, मैं बता देती हूँ इस चीज़ के बारे में कि इन्होंने ही 19 दिनों में ये पांचवा गोल्ड मेडल जीता है. तो प्लीज़ गाइस बता दीजिए आंसर क्या है. अब आप लोग सब समझ गए होंगे. और मुझे लगता है मैंने एक चीज़ ये भी बोली थी कि भाग हिमा भाग भी एक मूवी बन सकती है. सो योर आंसर इज हिमा दास, जो कि असम की हैं और इनको ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी बोला जाता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 17. विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फार्मर फैमिलीज द फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 2000 ईच अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार. सो योर आंसर इज क्वेश्चन नंबर 17. बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट के तीन क्वेश्चन बहुत ही क्रूशल हैं आप लोगों के लिए. सो आंसर आपका उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश ने जीता है. और उसके बाद सेकेंड नंबर किसका आया है, महाराष्ट्र का. ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं. आयुष्मान भारत प्रोग्राम की बात हो रही है और ट्यूबरक्लोसिस को कब हटाना है कंट्री से. ये दिस इज़ अगेन, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत बार मैंने आपको पढ़ा दिया है. सो आंसर आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4, 2025 तक हटाने की बात हो रही है. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कहता है चंद्रयान जो है वॉज लॉन्च इन जुलाई 2019 बाई यूजिंग हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल. सो क्या है ये, GSLV वाक 1, 2, 3, 4, 5. सो गाइज आई होप आप लोगों को इसका आंसर बखूबी याद है. क्या है इसका आंसर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखिए. सो योर आंसर इज GSLV मार्क 3. और ये कहाँ से हुआ है, सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्री हरिकोटा इन आंध्र प्रदेश. चलिए सो दिस इज 90 एंड द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द शो. हु हैज़ बीन recently approved by the appointments committee of the cabinet for the appointment as joint secretary to the president for a 10-year co-terminus with the president. हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव नियुक्ति करने को मंजूरी दे दी है, जिनका कार्यकाल राष्ट्रपति के साथ साथ समाप्त होगा. वीके नायक, अजय भड्डू, एडी गोरवाला, अजय सिंह रावत, डी राजा. सो आंसर क्या है गाइस आप लोगों का, एंड दिस क्वेश्चन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. प्लीज़ ये क्वेश्चन करने के बाद अपने अपने स्कोर लिखिए, तभी मुझे पता पड़ेगा कि आप कितने सीरियसली पढ़ रहे हैं CA को. क्योंकि सारे अगर क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अगर 19 भी हैं तब भी गुड है, 18 भी है तब भी गुड है. लेकिन अगर 18 से कम है आप लोगों के 17, 16, सो यू नीड टू पुश योर सेल्फ बिकॉज मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है और तैयारी ज़ोरों शोरों पर करनी होगी. सो आंसर जो है वो है अजय भाडू. थैंक यू सो मच फॉर दी करेंट अफेयर शो. और ऐसे तरह से अपडेट रहने के लिए आप testbook.com पर करेंट अफेयर शो डेफिनेटली देखिए. चलिए